तो हे गाइस, अभी बारी है स्नैक्स की, तो स्नैक्स हेलो लवली पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बोरगोहाई व्लॉग्स। तो यहाँ गाइस, आपको टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं कौन सा चैलेंज करने वाली हूँ। मैं करने जा रही हूँ पानी पूरी चैलेंज फॉर 24 आवर्स। मैं खाऊंगी पानी पूरी, वो भी 24 घंटे। तो मैं खाने वाली हूँ कुछ अतरंग वतरंग देसी पानी पूरी। ऐसे ही बोल रही हूँ। हम लोग तो ऐसे भी नॉर्मल पानी पूरी खाते ही रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग कॉम्बिनेशन मिला के पानी पूरी बना के खाती हूँ आज। मैं नॉर्मल पानी पूरी भी खाऊंगी, लेकिन वो वाला बाद में खाऊंगी, लेकिन अभी के लिए कुछ अतरंग वतरंग पानी पूरी खाऊंगी। तो मम्मी लोग बोलती है सुबह सुबह हमें खाना चाहिए कुछ हेल्दी वाला फूड, तो मैं लेके आई हूँ अपने साथ हेल्दी वाला पानी पूरी। ये क्या है गाइस, हेल्दी वाला पानी पूरी। मैं खाने जा रही हूँ हेल्दी पानी पूरी अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। तो मैं लाई हूँ मेरे साथ ऑरेंज जूस, साथ में ये वाटरमेलन का पीसेस, एंड ये रहा हमारा पूरी जो मैं मार्केट से खरीद के लाई थी, बस तेल में फ्राई कर लिया है। तो हाँ गाइस, हम पहले अपने पानी पूरी को होल करेंगे पूरी को, उसके बाद इसके अंदर वाटरमेलन के पीसेस डालेंगे, फिर ये ऑरेंज जूस डाल लेंगे। आप कोई भी ऑरेंज जूस ला के डाल सकते हो। मैंने ये अन्नापूर्णा का बॉटल का जूस डाला है, बस इस जूस पे थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है और साथ में ये वाटरमेलन में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, बस इतना ही। तो चलो खा के देखते हैं, ये फिल कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी मैं ये ऑरेंज जूस पहले टेस्ट करके देखती हूँ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। अब स्ट्रॉ को निकाल लेती हूँ। तो गाइस, मैं बोलना चाहूँगी मुझे तो टेस्टी ही लगा, उतना भी खास नहीं लगा, लेकिन ऑरेंज जूस के साथ आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। सूखा सूखा खा के बताती हूँ कैसा लगता है। आपको अगर खाना है तो प्लीज़ आप ऑरेंज जूस ऐड मत करना, आप ना बस वाटरमेलन डाल के खाना सूखा सूखा, बहुत टेस्टी लगता है। सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब मैं फिर से ऑरेंज जूस के साथ और एक बार खाऊंगी। यहाँ पे एक बात हो रहा है, अगर आप ऑरेंज जूस के साथ खाओगे ना तो आपका वाटरमेलन का जो फ्लेवर है वो चला जाएगा, बस ऑरेंज जूस का फ्लेवर आएगा। आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप वाटरमेलन के साथ ये पूरी सूखा खाए और पूरी सूखा ये ऑरेंज जूस के साथ खाए, तभी टेस्टी लगता है। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट और मैं आपको अभी मिलती हूँ एकदम लंच टाइम में। तो मैं लंच पर लेके आई हूँ दही वाले गोलगप्पे। तो मैंने अपने गोलगप्पे को फोड़ लिया है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आलू, एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड सम चटनी, धनिया पुदीना का चटनी। आप कोई भी चटनी ले सकते हो घर का बना हुआ भी, मैं ये मार्केट से लेके आई थी। देन आई एम गोइंग टू ऐड सम दही, मैं मीठा कर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग खट्टा भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे को नहीं पता कि खट्टा दही यूज़ करते हैं या मीठा दही यूज़ करते हैं। देन मैंने इसमें थोड़ा सा केचप ऐड कर दिया है। देन आई एम गोइंग टू ऐड सम भुजिया, जो मुझे मिला मैं वही उठा के लेके आई, एंड देन मैं कुछ अनार के पीसेस डाल दूँगी इसके ऊपर। तो ये रहा हमारा दही वाला गोलगप्पा, रेडी हो गया है। तो चलो इसे जल्दी से खाते हैं। तो या गाइस, मैं अपना लंच लेके हाजिर हूँ। तो मैं लंच में करने जा रही हूँ पानी पूरी पुचका, दैट मीन्स पानी पूरी का क्या, पानी पूरी पुचका क्या बोल रही हूँ। तो जल्दी से खा लेती हूँ इसे। चलो फर्स्ट बाइट। गाइस, टेस्ट तो लाजवाब है और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा आ रहा है इधर से, मुझे फिर से अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। वेट, मैं बाद में करती हूँ, खाती हूँ। ये जो मैंने दही वाले गोलगप्पे बनाए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है गाइस, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा।
आप भी इसे घर में बना के खाओ। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मैं जल्दी से इसे फिनिश कर देती हूँ क्योंकि शाम होने वाली है। oh, no! और मुझे थोड़ा बहुत आई मेकअप करना है क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम कर लिया, रील्स वीडियो बनाना था इसलिए। तो यहाँ गाइस अभी टाइम वेस्ट ना किए जल्दी से जाती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ एकदम इवनिंग स्नैक्स में। बाय बाय। हे गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा बहुत मेकअप करके रखा है क्योंकि मैं रील्स वीडियो बना रही थी इंस्टाग्राम के लिए और सोचा था कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो बना के देखूंगी, तो इसलिए करके रखा था। लेकिन आप देख सकते हो मैंने फैन ऑफ कर दिया इसलिए मैं पूरा पसीने से लूट पूट हो गई। और ये रहा मेरा छोटा बाल जो कि मैंने काट दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला बाल। अभी शाम हो चुकी है तो मैं अपना स्नैक्स लेके आ गई हूँ। तो ये रहा आज का स्नैक्स। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ घुगनी एंड आलू एंड ये रहा हमारा पानी पूरी। तो मैं अभी खाने वाली हूँ घुगनी आलू पानी पूरी। ये कौन सा नाम है? तो गाइस लेट मी ट्राई माय घुगनी। एकदम टेस्टी बना है। घुघरी में और कुछ डालेंगे, उसको मिक्स कर लेते हैं। वेट, तो ये वाला मैं मार्केट से लेके आई थी, धनिया पुदीना का चटनी है नीलॉन्स का। फेस गोरा आ रहा है, तो इसको मैं अभी अपने घुघनी में ऐड करूंगी, फिर उसको मिक्स करूंगी, फिर अपने पुचका में आलू डालूंगी, फिर ये घुघनी डालूंगी। इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर आता है। मैं अपने गोलगप्पे को फोड़े जा रही हूँ और साथ में मैं अभी आलू डालने वाली हूँ अपने गोलगप्पे के अंदर। देन मैं डाल रही हूँ घुघनी, उसके बाद मैं थोड़ा सा केचप ऐड कर दूंगी क्योंकि केचप से टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर आता है। थोड़ा बड़ा वाला, तो पानी आ रहा है। ये बाइट आपका और ये मेरा। बहुत ज़्यादा यमी है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ना जब भी ये वाला पानी पूरी बना के खाएं तो प्लीज़ इसमें केचप ऐड करिए, तभी ज़्यादा टेस्ट मतलब बेटर लगता है। तो अभी मैं केचप के साथ खाने वाली हूँ। क्या बोलूँ मैं, ये केचप के साथ तो एकदम लाजवाब। अब सूखा सूखा खाऊंगी। Nope. मुझे सूखा सूखा खाना पसंद नहीं है पानी पूरी। और अभी मेरे पास दो पानी पूरी बचा है जो कि मैं खत्म करूंगी और ये केचप के साथ है। ये वाला कंप्लीट कर देती हूँ। नॉट कंप्लीट, ये बड़ा मुश्किल है यार ऐसे ऐड करना। चलो, और मेरा प्लेट पूरा मैस हो चुका है क्योंकि सपोर्ट नहीं है ना, सपोर्ट मतलब टेबल नहीं है ना। ये फूड ब्लॉगर वाला ऐसा करता है ना खाने का। क्या टेस्ट। और ये मेरा नया हेयर स्टाइल, बट ये वाला मम्मी को देती हूँ खाने के लिए। अभी मैं फ्रेश होने वाली हूँ, ऐसे भी मेरा रील्स वीडियो बना नहीं ज़्यादा, एक तो बना है शायद, देख लूँगी अपलोड करूँगी या नहीं करूँगी। तो अभी मैं अपना मेकअप वेकअप हटा लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ डिनर टाइम में। मेरा आँखें इधर जाता है इधर नहीं जाता, पता नहीं अब तक आदत नहीं हुआ है इधर जाने का। हे गाइस, मैं अपना डिनर लेके आ गई हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरे डिनर में हाजिर है नॉर्मल पानी पूरी। तो मैं डिनर में खाने वाली हूँ नॉर्मल पानी पूरी क्योंकि मैं सुबह से पानी पूरी खा खा के एकदम फुल हो गई हूँ। तो अभी डिनर में मैं टू टाइप्स ऑफ पानी पूरी खाने वाली हूँ, इसलिए मैं ये नॉर्मल पानी पूरी लाई हूँ। और ये रहा बॉयल पोटैटो जिसको मैंने मैश कर दिया है, पिटिका बना दिया है, और साथ में ये नॉर्मल पूरी
जो कि मैं बस 5 लाई हूँ, और ये रहा एवरेज का पानी पूरी मसाला। बस मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, फिर एवरेज का मसाला डाला है, फिर थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और गर्मी भी लग रही है, फैन ऑफ है। तो चलो जल्दी से इसे खा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं डिज़र्ट में तो मैं डिज़र्ट में खाने वाली हूँ बाद में दिखाऊंगी, पहले ये खा लेती हूँ। भैया थोड़ा तीखा करना प्लीज। ठीक ठाक है, उतना भी खास नहीं है। जब तक मैं वो पानी पूरी भैया मैं तो भैया बोलती हूँ, बाकी लोग कुछ लोग बोलते हैं भैया, तो उस भैया के पास जब तक खाना लूँ ना तब तक मज़ा नहीं आएगा पानी पूरी खाने का, टेस्ट ही नहीं आ रहा अच्छा। वो पानी पूरी भैया वाले जैसा कटी है। भैया मेरे को प्लीज थोड़ा तीखा देना, और तीखा भैया, इतना कम और तीखा, मैं और ज्यादा तीखा खाती हूँ भैया, ये लो। मैं पानी भैया आपको इतना तीखा करने किसने बोला था? पानी कहाँ है? Oh no! ओवर एक्टिंग का 50 रुपए काट दो मेरा। और खाने के साथ मीठा ना हो तो कैसे चलेगा, डिजर्ट तो होना ही चाहिए ना। तो ये रहा टेंटरन, तो ये है मेरा चॉकलेटी पानी पूरी। एक्चुअली घर में फ्रिज खराब हो चुका है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी ये खाना पड़ रहा है, वरना सौगी हो जाएगा मे बी। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। तो ये मैंने चॉकलेट मेल्ट करके इसके ऊपर पूरा कोटिंग लगा दिया है, उसके बाद इसके अंदर जैम्स डाल दिया, और ये वाला मिल्क एंड चॉकलेट मैंने गर्म करके ठंडा करके अभी ग्लास में डाल के लाई हूँ खाने के लिए। ये तो पीते हैं ना पीने के लिए, पानी पूरी के साथ पीने के लिए। तो चलो जल्दी से खाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो चलो जल्दी से खाते हैं। तो मैं इसको डिप करके खाऊं या ऐसे खाऊं समझ में ही नहीं आ रहा, डिप करके खाते हैं। गाइज इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, प्लीज़ इसको घर में बना के खाओ, मस्ट ट्राई इट, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैं बोल नहीं सकती। थोड़ा सा सौगी जैसा हो गया है क्योंकि फ्रिज में मैंने नहीं रखा इसलिए, बट इंस्टेंट उपाय बताती हूँ अगर आपके घर में भी फ्रिज खराब है मेरे घर के जैसा। आप इसको सीधा लगा वगा के आप सीधा चॉकलेट से इसको कोटिंग करने के बाद ही खा ही डालो, बहुत टेस्टी लगता है। और हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा वो डाला था, बूंदी का मिठाई होता है ना, बूंदिया क्या बोलता है मैं भूल गई, उसका मिठाई को तोड़ के थोड़ा सा ऐसे ऊपर गार्निशिंग कर दिया था, गार्निशिंग। दूसरा वाला खाते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैं और 2 खाऊंगी, बाकी का अपने फैमिली वालों को दूंगी, सारा तो मैं नहीं खा सकती, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने आपके लिए मेरा मुंह देख सकते हो पूरा चॉकलेटी हो गया है शायद, और बहुत टेस्टी है, ये वाला पी के देखती हूँ।
टेस्टी है। इसमें मैंने थोड़ा सा शुगर भी मिक्स किया था और बाकी का मैं देती हूँ बाकी लोगों को खाने के लिए। आई कॉन्टेक्ट करो, बाकी का मैं देती हूँ बाकी लोगों को खाने के लिए। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये जो पहला चैलेंज है मेरे चैनल पे, ये आप सभी को कैसा लगा। तो और मैं नेक्स्ट चैलेंज वीडियो कौन सा बनाऊँ या फिर नेक्स्ट मैं क्या बनाऊँ। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू, टाटा। और क्या बोलते हैं लास्ट में, मैं भूल गई, नहीं पता, पूछना चाहती हूँ।